हेलो दोस्तों, मैं संदीप सिंसिनवार एमस्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की सभ्यताओं की, और सभ्यताओं में अपन देख चुके हैं कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। आज अपन बात करते हैं बैराट सभ्यता की। बैराट सभ्यता क्या है, बैराट सभ्यता कैसे बनी? बड़ी खुशी मिलती है मुझे आपको पढ़ाकर, और मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगता होगा। बैराट सभ्यता की अपन बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ी खुशी जब होती है जब लोग सक्सेस होते हैं, हमसे पढ़कर उनको अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। अपन आज बैराट सभ्यता की बात करेंगे, एक एक बारीकी को वापस जैसे हम डेली पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। आपको सारे सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी, और आपके जो भी क्वेश्चन हुआ करें आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको सारे के सारे आंसर प्रोवाइड करा देंगे। बात कर रहे थे बैराट सभ्यता की। जब जब राजस्थान की सभ्यताओं की बात आएगी अपन वैसे ही बात करेंगे। राजस्थान आप लोग सब जानते ही हो, डेली बताता हूं मैं आपको, राजस्थान है ये। राजस्थान पतंगाकार आकृति में है, और आप जानते हो राजस्थान के मध्य से एक पर्वतमाला निकलती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। और यहां पर अपन बात करें, हमारे स्थित है बैराट की पहाड़ियां। यहां पर स्थित है हमारे बैराट की पहाड़ियां, बैराट पहाड़ी। और इन बैराट पहाड़ियां ये कहां पर है, राजस्थान के जयपुर जिले में है। हमारे क्या हुआ था, ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो बैराट सभ्यता है उसकी जानकारी महाभारत से मिलती है, महाभारत कालीन सभ्यता है ऐसा कह सकते हैं अपन। हुआ क्या था कि 5 पांडव और उनके साथ एक मैडम जिनका नाम था द्रौपदी, तो इनको जब ये पासा खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे, द्यूत कीड़ा की हो रही थी, तो वहां पर क्या हुआ कि ये शर्त थी, युधिष्ठिर हार गया था दुर्योधन से, तो वहां पर शर्त थी कि आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास गुजारना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते और अज्ञातवास में आपकी भाई पहचान हो गई, तो आपको वापस से यही क्रिया वापस करनी पड़ेगी। इसके लिए पांचों पांडव और मैडम द्रौपदी, पांचों के पांचों मैडम को लेकर भटकते भटकते मत्स्य प्रदेश आए, मत्स्य जनपद में आए। जनपद है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराट नगर या बैराट। यहां पर छुपते छुपाते उनमें होकर निकल रहे थे। कहते हैं कि मैडम को प्यास लगी द्रौपदी को, द्रौपदी ने पानी के लिए कहा। पहले तो भीम ने, ऐसा कहते हैं कि भीम ने लात घूसा गदा आदि दे दाकर, यानी कि ऐसी मान्यता है भीम के लात मारने से निर्माण हुआ भीमताल का, और भीमताल का संबंध कैसे है बैराट सभ्यता से। अब ऐसे अर्जुन बोला साले ये सारे काम बिगाड़ देता है, अब हम तो बिगड़ेंगे, 12 साल 5 भाई है आपको पता ही है। तो अब की बार द्रौपदी को इम्प्रेस करने का पूरा प्लान अर्जुन का, तो अर्जुन बोला कि अब की बार कैसे मैडम कहे कि प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो अब की बार वो सारी व्यवस्थाएं मैं करूंगा। तो अर्जुन रेडी, अब की बार मैडम जब निकल रहे थे द्रौपदी, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लग रही है। अर्जुन बोला रुक जा, अब की बार साहब मेरा नंबर है, मैं करूंगा जो भी करूंगा। यानी कि अर्जुन भाई साहब रेडी हो गए, अर्जुन ने अपना गंडीव रेडी किया। ये कौन है साहब, अर्जुन ने पूछा, बताओ मैडम पानी का क्या करें, किधर से निकालें? तो मैडम ने कहा इधर से किधर से, बैराट की पहाड़ियों से। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया, और ये बाण जाकर लगा काय में, बैराट की पहाड़ियों में। बाण के लगने से यहां से पानी निकलने लगा, अर्थात यह पानी लगातार निकलता रहा। पांडव और द्रौपदी तो पानी पीकर चले गए, लेकिन ये पानी लगातार निकलता रहा, और यहां पर एक नदी विकसित हुई। बाण के लगने से नदी विकसित हुई, इसीलिए उसका नाम पड़ा बाण गंगा। तो यहां पर एक नदी बनी, कौन सी, बाण गंगा। अब बाण को दूसरा नाम क्या लेते हैं, तीर, इसीलिए नाम दे दिया तीर गंगा। और ये तीर चलाया किसने, अर्जुन ने, इसीलिए अर्जुन की गंगा। इसको अपन एक और नाम देते हैं ताला नदी, एक और नाम देते हैं
ताला नदी। तो बाण गंगा, तीर गंगा, अर्जुन की गंगा या ताला नदी आदि एक ही नदी है। बाण गंगा के तीन उपनाम है, तीर गंगा, अर्जुन की गंगा और ताला नदी। ताला नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो बाण गंगा नदी है वो राजस्थान के तीन जिलों में होकर बहती है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। जयपुर में रामगढ़ बांध बनाया गया है इस पर, दौसा में माधो सागर बांध और भरतपुर में अजान बांध। ध्यान रखना, भरतपुर की सबसे बड़ी नदी है लेकिन कभी पानी नहीं आया इसमें, वो भरतपुर का दुर्भाग्य है। इसके चक्कर में हमने अजान बांध भी बनाया भरतपुर में। अपन बात करें भाई, इसके पानी को माधो सागर बांध पर दौसा में रोक दिया गया है, अर्थात लॉक कर दिया गया है, इसीलिए इसको ताला नदी भी कहते हैं। अब अपन बात करें आगे, इन बैराट की पहाड़ियों के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में कुछ डूंगरी या कुछ पहाड़ी हैं जिनमें अपन बात करें, बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी, बोमली डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी और भीम डूंगरी। ये पांच डूंगरियां बैराट पहाड़ी के उत्तर दिशा में जयपुर में बैराट सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। और ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है, बीजक डूंगरी का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है? तो हमारा उत्तर क्या है? बैराट सभ्यता। पूछा जाता है बुमली डूंगरी का संबंध, गणेश डूंगरी का संबंध, महादेव डूंगरी का संबंध, भीम डूंगरी का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बैराट सभ्यता। तो इस बाण गंगा नदी की अपन बात करें, इस बाण गंगा नदी के किनारे विकसित हुई एक सभ्यता जिसका नाम था बैराट सभ्यता। राजस्थान के जयपुर जिले में बाण गंगा नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम था बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता की अपन बात कर लें, बैराट सभ्यता की खोज 1936-37 में राय बहादुर दयाराम सहानी ने 1936-37 में राय बहादुर दयाराम सहानी ने बैराट सभ्यता की खोज की। अब खोज हुई है तो उत्खनन भी होगा, उत्खनन मतलब खुदाई। इसका उत्खनन 1961 से लेकर 71 ईस्वी तक दो व्यक्तियों ने किया, नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। इन दो जनों ने इसका क्या किया? उत्खनन किया। हम कहें कि बैराट सभ्यता की जानकारी की बात करें, बैराट सभ्यता की जानकारी महाभारत से मिलती है, महाभारत से बैराट सभ्यता की जानकारी मिलती है महाभारत से। अपन एक और बात करें, आपको पता होगा कि बैराट पर शासन किया प्रमुख शासक रहे जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जो इनका पोता था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इनके अलावा मिनांडर हिंद यूनानी शासक रहा है, इंडो ग्रीक शासक रहा है मिनांडर। यानी कि आपको पता ही होगा कि हिंद यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, और हिंद यूनानी शासकों की तरफ से स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करने वाला पहला शासक भी कौन था? मिनांडर था भारत में। मिनांडर ये हो गया साहब हिंद यूनानी। इसके अलावा आता है अपना मिहिरकुल। यानी कि हूण शासक
सकहूण कुसाण सिथियन फेमस जातियां रही हैं विदेशी आक्रमणकारी जातियां राजस्थान पर जिन्होंने आक्रमण किए, उनमें प्रमुख था महीरकुल हूण जाति का, जिसे बैराठ का विनाशक भी कहते हैं। किसको? महीरकुल को। इन चार प्रसिद्ध शासकों ने, शासक तो बहुत सारे थे लेकिन चार प्रसिद्ध शासकों ने, फेमस शासकों ने शासन किया काय पर? बैराठ पर। लेकिन सर्वाधिक जो प्रभाव रहा वो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का रहा, इसीलिए हम कहते हैं बैराठ पर मौर्य संस्कृति का प्रभाव है, मौर्य संस्कृति का प्रभाव है। अब अपन ने यह क्यों कहा कि मौर्य संस्कृति का प्रभाव है, यह भी बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हो बैराठ का पूर्ण रूप से बुद्ध धर्म से संबंधित जितना भी विस्तार किया, जितने भी बुद्ध मठ में बुद्ध स्तूप बनाए, वे सारे के सारे अशोक की देन थे। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक के मन में एक पीड़ा हुई कि मैं युद्ध लड़ता हूँ, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग घायल होते हैं, ये सब क्यों करता हूँ, अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। मन में एक बात तय की कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसीलिए उन्होंने अब चारों ओर की क्रिया प्रतिक्रियाओं को देखना प्रारंभ किया। जबकि आपको पता है कि ये जो वंश है मौर्य वंश, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके दादाजी अशोक के खुद जैन धर्म से थे और भद्रबाहु के शिष्य थे, और उन्होंने तो संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला में अपने प्राण भी त्यागे थे। और आप जानते हो कि संलेखना विधि किसे कहते हैं? भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागने की विधि संलेखना विधि कहलाती है, जो जैन धर्म में अपनाई जाती है। अशोक की अचानक से मुलाकात होती है उपगुप्त से, और उपगुप्त कौन है? धार्मिक गुरु रहा है किसका? अशोक का। उपगुप्त के कहने पर अशोक ने बुद्ध धर्म की, यानी बुद्ध धर्म अपना लिया। तो अशोक का धार्मिक गुरु कौन हो गया? उपगुप्त हो गया। तब उनकी उनसे दीक्षा लेकर, उनसे ज्ञान लेकर ये कहां पर आए? बैराठ आए, और बुद्ध धर्म से संबंधित उन्होंने बुद्ध मठ में बुद्ध स्तूपों का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अब जब अशोक बुद्ध धर्म से संबंधित हो गए और मौर्य संस्कृति से वो है, तो उन्होंने जितने भी निर्माण करवाए, जितने भी शिल्पी थे, जितने भी वास्तुकार थे, सब मौर्य वंश से संबंधित थे। तो सीधी सी बात है, जिस वंश से संबंधित थे और उन्होंने जितनी भी इमारतें बनवाई होंगी, उन सब पर काय का प्रभाव आएगा? मौर्य संस्कृति का प्रभाव आएगा। तो जितने भी बुद्ध मठ में बुद्ध स्तूप बने, उन सब पर प्रभाव था काय का? मौर्य संस्कृति का। इसीलिए हमने कहा कि बैराठ पर मौर्य संस्कृति का प्रभाव था। मेरे साथ साथ आप लिखते तो चल ही रहे होंगे, ये उम्मीद है मुझे आपसे। अपन बात कर रहे थे बैराठ सभ्यता के। बैराठ सभ्यता यू माने तो बड़ी इंपॉर्टेंट सभ्यता भी रही है राजस्थान हिस्ट्री की दृष्टि से। अब अपन बैराठ सभ्यता के साक्ष्यों को देखें, बैराठ सभ्यता में अपन साक्ष्यों को देखें, साक्ष्य यानी कि खुदाई उत्खनन से क्या क्या मिला, क्या क्या प्राप्त हुआ। अपन ने देखा साक्ष्यों में, अपन ने सबसे पहले बात की बैराठ से बुद्ध मठ, बैराठ से अशोक के बुद्ध मठ व बुद्ध स्तूप मिले। बैराठ से बुद्ध की प्रतिमा मिली। ऐसा कहा जाता है कि जो बैराठ से बुद्ध की प्रतिमा मिली है वो मानव ज्ञात बुद्ध की प्रथम प्रतिमा थी। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा थी। सोचो आप लोग, जब ऐसा माना जा रहा है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा राजस्थान के बैराठ सभ्यता स्थल से मिली, तो हम कह सकते हैं कि बैराठ बुद्ध धर्म से संबंधित भारत का सबसे प्राचीन केंद्र था।
अपन ने क्या कहा, यथा क्या है, बैराट बुद्ध धर्म से संबंधित भारत का सबसे प्राचीन केंद्र है। बैराट बुद्ध धर्म से संबंधित भारत का सबसे प्राचीन केंद्र है। चलो फिर अपन आगे भी बात करें। एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कैप्टन बर्ट, और इस कैप्टन बर्ट की बात करें, इन्होंने खोज की 1837 में बाबरू शिलालेख की। बाबरू शिलालेख की, और ये जो बाबरू शिलालेख है बीजक की पहाड़ी से मिला। ये कई बार पूछा जाता है कि बाबरू शिलालेख की खोज बैराट में कहां से हुई, तो बीजक की पहाड़ी से हुई, बाबरू शिलालेख मिला। बाबरू शिलालेख की अपन बात कर लें, बाबरू शिलालेख वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है, संग्रहालय में। कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। क्या क्या स्थित है भाइयों? स्थित है बाबरू शिलालेख, वर्तमान में कहां पर है? कोलकाता संग्रहालय में है। अपन बात करें इसमें अशोक ने कहा स्वयं को प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी राजा, ये बात कहां से मिली हमें? बाबरू शिलालेख से, कि अशोक ने स्वयं को क्या कहा? प्रियदर्शी राजा कहा। सेकंड नंबर पर अपन बात करें, सेकंड नंबर पर अशोक ने कहा मैं बुद्ध धम्म घोष में, बुद्ध धम्म और घोष में अटूट आस्था रखता हूं, अटूट आस्था रखता हूं, मैं बुद्ध धम्म घोष में अटूट आस्था रखता हूं। इसी बाबरू शिलालेख का एक उपनाम है त्रिरत्न शिलालेख, त्रिरत्न शिलालेख। कहते हैं बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध धम्म घोष। उन्हीं के नाम पर इस शिलालेख का नाम भी क्या पड़ा? क्या नाम पड़ा भाइयों? त्रिरत्न शिलालेख। अपन बात कर रहे थे यहीं पर बाबरू शिलालेख की। बाबरू शिलालेख की जो लिपि है वो कैसी है? ब्राह्मी लिपि, जबकि इसकी भाषा प्राकृतक है। अपन बात करें इससे जानकारी मिलती है, इससे बाबरू शिलालेख से जानकारी मिलती है कुछ ग्रंथों की, रायलोवाद सुत, सुत मैलोवाद सुत और थेरी गाथा, और थेरी गाथा, रायलोवाद सुत, मैलोवाद सुत और थेरी गाथा, इन सब का संबंध किससे है? बुद्ध धर्म से और अशोक से। तो इन सब की जानकारी मिलती है भाइयों कहां से? बाबरू शिलालेख से। देखो मैं आपको बता दूं, बाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 में की। तो अपन ये बात भी कह सकते हैं कि बैराट का प्रथम खोजकर्ता किसको कह सकते हैं? कैप्टन बर्ट को। अब अपन बात कर ले यहां पर बैराट सभ्यता के, और साक्ष्यों के आप लिखते तो चल रहे होंगे लगातार, तो हम बैराट सभ्यता में देख रहे थे। देखो बैराट सभ्यता से एक और बड़ी बात देख सकते हैं अपन, अपन ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं। हमारे
हमारे दिमाग के साथ ही खेलते हैं लोग भाई। आप सोचो हमने क्ल्यू दिया, चलो यहीं पर साक्षों में बात कर रहे हैं, लेकिन साक्षों में अपन एक नोट लगाते हैं यहीं की यही एक बात बड़ी बढ़िया चीज याद आई, क्लियर आई कि हमने देखा हमारी खोज तो कब हुई, बैराट सभ्यता की खोज कब हुई, 1936-37 में। उत्खनन हुआ 1961 से लेकर 1971 तक। अब आप देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाता है, देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। उसने सीधे कहा राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसकी खोज तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हुई तथा उत्खनन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। तो कौन सी सभ्यता है, बैराट सभ्यता। क्यों, क्योंकि इसकी खोज कब हुई, 1936-37। उत्खनन कब हुआ, 61 से लेकर 71 तक। अब सोचो आप कितना बढ़िया क्वेश्चन है, तो हम कह सकते हैं वह है सभ्यता जिसकी खोज स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तथा उत्खनन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुआ। बताओ रे भाइयों वो कौन सी सभ्यता है, बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता। आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, साक्षों की बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उनको बीच बीच में लिखाई देता हूं मैं। स्वर्ण मंजूषा मिली, स्वर्ण मंजूषा मिली। अब आप कह रहे होंगे साहब ये स्वर्ण मंजूषा क्या थी, सोने की संदूक मिली, एक अटैची मिली, अनुमानते फिक्स नहीं है साहब, अनुमानते उसमें बुद्ध की अस्थियां थी, बुद्ध की अस्थियां थी, अनुमानते साहब, अनुमानते फिक्स नहीं है। स्वर्ण मंजूषा मिली, अनुमानते उसमें बुद्ध की क्या थी, अस्थियां थी। आगे अपन बात करें, सूती कपड़े में लिपटी, लिपटी 36 मुद्रा मिली जिनमें अट्ठाईस इंडो ग्रीक, 8 पंचमार्क मुद्रा, पंचमार्क मुद्रा थी। पंचमार्क मुद्राएं चांदी की मुद्राएं होती है, 28 इंडो ग्रीक यानी कि हिंदी यूनानियों की मुद्रा, और 8 पंचमार्क मुद्राएं हमारी मुद्राएं, राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्राएं भी कही जाती हैं पंचमार्क मुद्राएं। अपन बात करें, मैंने आपको क्या कहा था, 8 सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की दो सभ्यताएं हैं जिनसे सूती कपड़ा मिलेगा, एक तो आहाड़ थी और दूसरी कौन सी है, बैराट सभ्यता। आगे अपन ने देखे बैराट की यात्रा, बैराट की यात्रा चीनी यात्री वेनसांग ने, हेनसांग ने, बैराट की यात्रा चीनी यात्री हेनसांग ने की, हेनसांग के उपनाम, यात्रियों का राजकुमार, का राजकुमार, नीति का पंडित और इसकी तुलना शाक्य मुनि से कर दे, शाक्य मुनि। तीन प्रमुख उपनाम है इनके, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। भारत आए हर्षवर्धन के समय, और यही क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो राजस्थान पुलिस 2014 में भी पूछा गया था कि हेनसांग ने भारत, हेनसांग भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में आए, तो किसके में आए,
हर्षवर्धन के समय में राजस्थान में सर्वप्रथम हिंसा आया कहां पर? भीनवाल, भीनवाल जालौर आया। हिंसा कहां पर आया? भीनवाल जालौर आया। हिंसा ने नगरों को नाम दिए, नगरों को कुछ नाम दिए रे। पहला भीनवाल को पोलो मोलो, भीनवाल को हेंसांग ने एक नाम दिया पोलो मोलो, चाइनीज नेम है साहब ये पोलो मोलो। जबकि बैराट को, बैराट को एक नाम दिया पायरू, बैराट को एक नाम दिया कौन सा? पायरू। अपन ने बात की बैराट सभ्यताओं की, ध्यान रखना भारत के लिए भी चीनी यात्रियों ने एक नाम दिया था तिचिंचू। क्या नाम दिया था? तिचिंचू। अब अपन बात करें यहां पर बैराट सभ्यता की, आप सबने छापी लिया होगा बैराट सभ्यता में। देखो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट सभ्यता भी है, लगातार इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता से बार बार क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आज अपन कुछ छोटी छोटी सभ्यताओं की भी बात कर लेते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं, बैराट सभ्यता की जो जानकारी है, यानी कि बैराट की जानकारी, बैराट की सभ्यता की जो जानकारी है वो एक पुस्तक से मिलती है, उस पुस्तक का नाम है एक्सकेवेशन ऑफ बैराट, यानी कि बैराट का उत्खनन। और इस किताब के जो लेखक हैं, राइटर हैं, अपन इधर लिख सकते हैं नीचे, इसके जो राइटर हैं वो है दयाराम सानी, राय बहादुर दयाराम सानी। इस किताब के जो लेखक हैं वो राय बहादुर दयाराम सानी। एक्सकेवेशन ऑफ बैराट नामक पुस्तक से बैराट सभ्यता से संबंधित क्या मिलती है? जानकारियां मिलती है। लेकिन आप आज अपन एक दो छोटी छोटी सभ्यताएं और देख लेते हैं। आपने मेरे साथ साथ लिखी लिया होगा, क्योंकि आज अपनी सभ्यताओं का अंतिम टाइम है, अंतिम दिन है, आज सभ्यताएं हमारी खत्म हो जाएंगी। तो अपन बात कर रहे थे उन्हीं में कुछ नई सभ्यताओं की, ये तो लिखी लिया हुआ किताब का नाम आप लोगों ने। तो अपन बात करते हैं एक छोटी सी सभ्यता की, जिसका नाम है, बड़ी इंपॉर्टेंट सभ्यता भी है, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता आप सब लोग जानते हो, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की सभ्यता है। इसमें आपको कोई, देखो ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप इन चीजों के कोई डेट वगैरह याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बागोर सभ्यता की अपन बात कर रहे थे। पहली बात, बागोर सभ्यता राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की सभ्यता है। बागोर सभ्यता का उत्खनन, उत्खनन किया बी एन मिश्र ने, यानी बीरेंद्र नाथ मिश्र ने। उत्खनन के अलावा बी एन मिश्र के गए, यह पाषाणकालीन सभ्यता थी, यह पाषाणकालीन सभ्यता थी। छोटी छोटी सभ्यताएं आपको देखनी है, जिनसे बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे मुख्यतः क्वेश्चन तो उन चार सभ्यताओं से आता है, फिर भी अपन छोटी छोटी सभ्यताएं देख लें। इस सभ्यता का उत्खनन बी एन मिश्र ने किया, पाषाणकालीन सभ्यता थी। कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई, कोठारी नदी के किनारे किनारे विकसित हुई, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। इसके बाद भी अपन बात कर लें इस बागोर सभ्यता की,
विश्व में सर्वप्रथम इससे प्रमुख साक्ष्य मिला, विश्व में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले, यानी कि बागवड़ सभ्यता से विश्व में सर्वप्रथम पशुपालन के क्या मिले, साक्ष्य मिले। देखो भाइयों, पशुपालन होने को तो तिलवाड़ा बाड़मेर से भी मिले, पशुपालन के साक्ष्य ऊंट पालन तो अपने कालीबंगा में भी हो रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, तो आंसर रहेगा बागवड़ सभ्यता भीलवाड़ा से। इसके अलावा भी बात करें, अपन एक छोटी सी सभ्यता देख लेते हैं, तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता ये बाड़मेर जिले की सभ्यता है। आपको तो मेनली बात याद रखनी है कि इसका जो उत्खनन है वो किसने किया है, बीएन मिश्र ने, बीरेंद्र नाथ मिश्र ने। इसके अलावा भी बात करें, इससे भी साक्ष्य के रूप में पशुपालन के साक्ष्य मिले, इससे साक्ष्य काय के मिले, पशुपालन के मिले। एक छोटी सी सभ्यता आती है हमारी रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की सभ्यता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की सभ्यता है। इससे उत्खनन किया स्वीडिश वैज्ञानिक डॉक्टर हन्नारिड ने, डॉक्टर हन्नारिड ने, और इससे साक्ष्य की अपन बात कर लें, रंगमहल सभ्यता से कुषाण कालीन गुरु व शिष्य की प्रतिमा मिली, गुरु व शिष्य की प्रतिमा मिली। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ की अपन बात कर रहे हैं, इसका उत्खनन स्वीडिश वैज्ञानिक डॉक्टर हन्नारिड ने किया और इससे कुषाण कालीन गुरु व शिष्य की प्रतिमा मिली। अतः अपन बात करें, हमारी लगभग जो इंपॉर्टेंट सभ्यताएं थी राजस्थान की वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसी के साथ भाइयों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और पूरा पूरा हमारा फायदा उठाते रहिए। धन्यवाद भाई।